Hello friends, welcome back to my channel. अभी तो winter season है friends. Winter season तो सभी का पसंद है. और winter season पे जो एक problem है, वो है skin हो जाते हैं बिल्कुल dry, damage. वो किसी का पसंद नहीं है friends. Dry skin किसी ने भी पसंद नहीं करते friends. Skin होगा एकदम smooth, flawless, एकदम glowing. वो ही सभी का पसंद होते हैं friends. विंटर सीजन है अभी. विंटर पे स्किन तो जरूर ड्राई होगा. एंड उस ड्राई स्किन को कैसे आप एक अच्छा एंड बेस्ट मॉइस्चराइजर से अप कर सकते हो एकदम नॉर्मली स्मूथ, शाइनी एंड सॉफ्ट, वो मैं बताऊंगी आज. एक अच्छा एंड बेस्ट मॉइस्चराइजर स्किन के लिए जो पूरे दिन आपका स्किन होगा एकदम स्मूथ, शाइनी एंड सॉफ्ट, एक भी ड्राइनेस नहीं रहेगा आपका स्किन पे. सो फ्रेंड्स, चलो आज मैं दिखाती हूँ एक बेस्ट मॉइस्चराइजर जो आपका ड्राई स्किन पे अच्छे से मॉइस्चराइजर लेवल को मेंटेन रखते हैं एंड ड्राइनेस की एक भी नामो निशान नहीं रखते हैं. वो है वैसलिन कोको ग्लो. फ्रेंड्स, आप सभी ने जानते हैं वैसलिन एक अच्छा कंपनी एंड वैसलिन का ऑल प्रोडक्ट कितना अच्छा है फ्रेंड्स. एंड मैं यहाँ पर रेकमेंड करती हूँ वैसलिन का कोको ग्लो. कोको एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स. कोको के अंदर एक ऐसे जो गुनागुण रहते हैं वो है स्किन को एक नॉर्मली ग्लोइंग करने में हेल्प करता है. वो है कोको. कोको पाउडर सभी ने जानते हैं, सभी ने बहुत यूज़ भी करते हैं कोको पाउडर. एंड कोको ग्लो आपका स्किन पे एक नेचुरली शाइन देने में हेल्प करता है एंड आपका स्किन एकदम स्मूथ, ग्लोइंग एंड फ्लॉलेस बनाते हैं. सो मैं इसलिए आज मैं अब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ. अब विंटर सीजन है अभी, तो विंटर सीजन पे आप ज़रूर कुछ ना कुछ मॉइस्चराइजर तो ज़रूर यूज़ करते हैं. वो आप ज़रूर एक बार ट्राई करना. वो है वैसलिन का कोको ग्लो मॉइस्चराइजर. इतना अच्छा है एक मॉइस्चराइजर, मेरे तो बहुत ही फेवरेट है फ्रेंड्स. मैं रेगुलर बेसिस से यूज़ करती हूँ, इसलिए मेरा स्किन कभी भी ड्राई नहीं होता एंड स्किन हमेशा रहते हैं सॉफ्ट, स्मूथ एंड शाइनी. यहाँ पर कोको ग्लो जो मॉइस्चराइजर है उसका यूज़ करने का तरीका भी देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा है. इस पम्पिंग से आप इजिली इसको यूज़ कर सकते हो. एंड इसका जो प्राइस है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ. इस कंटेनर का प्राइस है ओनली 255 रुपीस एंड वो है 300 ml का कंटेनर है. 300 ml का कंटेनर एंड इसका प्राइस बहुत ही अफोर्डेबल, ओनली 255. इसका जो क्वालिटी है बहुत अच्छा है, एकदम मॉइस्चराइजर बेस्ट. और आप यूज़ करोगे तो आपका स्किन बिल्कुल भी स्टिकी एंड ऑयली नहीं होगा. ऐसे आपका स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड आपका स्किन रहेगा नेचुरली स्मूथ एंड ग्लोइंग. और ड्राइनेस नहीं रहेगा फ्रेंड्स. मैं तो पूरी विंटर सीजन पे यूज़ करती हूँ इस मॉइस्चराइजर. वो है वैसलिन का कोको ग्लो मॉइस्चराइजर. वैसलिन का बहुत सारे मॉइस्चराइजर है एंड मैं तो प्रेफर करती हूँ कोको ग्लो, क्योंकि कोको के अंदर एक ऐसे गुण रहते हैं जिसका आपको स्किन पे और भी ग्लोइंग करने में हेल्प करता है. तो फ्रेंड्स, अब ज़रूर विंटर पे एक बार इस मॉइस्चराइजर को यूज़ करना. मैं एक बार दिखाती हूँ, एक डेमो दिखाती हूँ इसका जो यूज़ करने के बाद एक कैसे ग्लो देते हैं स्किन पे और ड्राइनेस नहीं रहते हैं फ्रेंड्स. अब देखो फ्रेंड्स, मैं मेरे हाथों पे एक ड्रॉप लिया हूँ एंड अच्छे से ब्लेंड कर दूँ. एंड अब देखना ईजिली आपका स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड कुछ भी स्टिकी फब नहीं रहेगा एंड ऑयली वेस्ट नहीं रहेगा. आपका स्किन नॉर्मली जैसे स्किन होते हैं, नॉर्मल स्किन जैसा हो जाएगा एंड एक स्किन पे ग्लो देगा फ्रेंड्स. एकदम नेचुरली ग्लो देगा, स्मूथ एंड शाइन होगा आपका स्किन. देखो फ्रेंड्स, एकदम एब्जॉर्ब होगा है मेरा स्किन पे, एक भी स्टिकी फब नहीं है, बिल्कुल एब्जॉर्ब होगा है एंड स्किन कितना ग्लो कर रही है फ्रेंड्स. एक भी ड्राइनेस नहीं है फ्रेंड्स, देखो एक भी ड्राइनेस नहीं है, बिल्कुल स्मूथ एंड शाइन दे रही है मेरी स्किन. तो फ्रेंड्स, अब ज़रूर एक बार ट्राई करना इस मॉइस्चराइजर को इस सीज़न पे. विंटर पे तो मॉइस्चराइजर सभी ने यूज़ करते,
इस मॉइस्चराइजर तो मेरे लिए बेस्ट है फ्रेंड्स, आप जरूर एक बार ट्राई करना, आपके लिए भी बेस्ट हो जाएगा। क्योंकि एक ऐसी चीज़ है या इस पे, वो है कोको। एंड इसका जो फ्रेग्रेंस है ना फ्रेंड्स, बिल्कुल एकदम जो चॉकलेटी फ्रेग्रेंस है इसका, हाँ एकदम जो क्रीमी स्मूथ एंड जो चॉकलेट का जो फ्रेग्रेंस होते हैं उसका इसका फ्रेग्रेंस है इस मॉइस्चराइजर का। फ्रेंड्स अब ज़रूर एक बार ट्राई करना, एंड ट्राई करने के बाद मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे जाके मुझे बताना आपका इस मॉइस्चराइजर कैसा लगा। एंड इस वीडियो लोगों को अच्छा लगा है तो डेफिनेटली एक लाइक कर देना, एंड आप पहली बार मुझे देख रहे हो तो मैं माई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, एंड साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना क्योंकि मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो फ्रेंड्स अभी बाय एंड टेक केयर।